नेपाल में येती एयरलाइंस तैयारा हादसे के बाद अब तक 63 से ज्यादा लाशें निकाली गई। मरने वालों में 5 भारतीय भी शामिल। भारतीय सिफारतखाने ने मदद के लिए जारी की हेल्पलाइन। नेपाल की काबीना की काठमांडू हवाई अड्डे पर हंगामी मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन भारत के अजाइम और सलाहियत की अलामत। 8वीं वंदे भारत ट्रेन आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। कल से शुरू हो रही है बीजेपी की 2 रोजा कौमी मजलिस आमला की मीटिंग। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत सभी सीनियर लीडर होंगे शामिल। मीटिंग में G20 से मुतालिक तकरीबात के जरिए भारत का मजबूत रोल पेश करने पर होगा गौर-ओ-फिक्र। पंचजन्य की 75वीं सालगिरह पर खसूसी तकरीब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि कौमियत की मशल रोशन करने में पंचजन्य का रहा है खसूसी रोल। दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के ताबुन को किया याद। भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरे और आखिरी वनडे मैच में दिखाई दिया भारतीय बल्लेबाजों का जलवा। शुभमन गिल और विराट कोहली ने बनाई शानदार सेंचुरी। श्रीलंका को दिया 391 रन का हदफ। हॉकी आर्मी कप में आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारत ने शुरुआती मैच में जुमे को शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए स्पेन को 2-0 से दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नेपाल के पोखरा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर आज सुबह एक मुसाफिर तैयारा खौफनाक तौर पर गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा नेपाल के पोखरा रनवे पर पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 63 मुसाफिरों की मौत हो गई है। येती एयरलाइंस के इस तैयारे में 68 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। तैयारा काठमांडू से पोखरा जा रहा था। तैयारा पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने से पहले करीबी पहाड़ी से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। तैयारे का कुछ हिस्सा दरिया में गिर गया और इसके साथ ही पोखरा हवाई अड्डे को बंद करके बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। काठमांडू से पोखरा जाने वाले येती एयरलाइंस के ANC ATR 72 तैयारे के गिरकर तबाह होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड का काठमांडू के त्रिभवन बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहीं उन्होंने अहदेदारों के साथ वाकये के ताल्लुक से जायजा मीटिंग की। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल में तैयारे के हादसे पर गम का इजहार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा कि नेपाल में हवाई जहाज के अलमनाक हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे ख्यालात और दुआएं सुगवार खानदानों के साथ हैं। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह होने वाले तैयारे के मुसाफिरों के बारे में मालूमात के लिए भारतीय सिफारतखाने ने मोबाइल नंबर जारी कर दिया है, जहां पर एम्बेसी हेल्पलाइन में काठमांडू दिवाकर शर्मा का नंबर +977 9851107021 है और पोखरा लेफ्टिनेंट कर्नल शशांक त्रिपाठी का नंबर +977 9856037699 है। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 2 तेलुगु बोलने वाली रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है। इसे मिलाकर अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को नए भारत के अज़्म और सलाहियत की अलामत करार दिया। कनेक्टिविटी का, स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। जहां जहां गति है वहां प्रगति है और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। ये पोंगल के मुबारक मौके पर 2 तेलुगु बोलने वाली रियासतों को पीएम मोदी की तरफ से एक खास तोहफा है।
पीएम मोदी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई ये ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलने वाली ये ट्रेन आसान और तेज सफर को यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम के विजन का जिंदा सबूत है। अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन नए हिंदुस्तान की आरजू और सोच की अलामत है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज से शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला तय करते हुए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा स्टेशनों पर रुकेगी, जबकि तेलंगाना के खम्मम, वरंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। मुल्क में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी हैं। वजीर आजम मोदी ने अददशुमार के जरिए बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहल कामयाब रही है। बीते कुछ ही वर्षों में 7 वंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिलाकर 23 लाख किलोमीटर का सफर पूरा किया है। ये पृथ्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है। इन ट्रेनों से अब तक 40 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेलवे की तौसी और जदीदकारी के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। उन्होंने अदद शुमार देते हुए बताया कि आज ये काम कई गुना बढ़ गया है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई, माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से आम लोगों और मुसाफिरों में जबरदस्त खुशी और जोश है। इस ट्रेन से न सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आम लोगों और ताजिरों को सहूलत फराहम होगी, बल्कि खत्ते में सियाहत को भी फरोग देने में भी ये अहम रोल अदा करेगी। खास बात इस ट्रेन की है जो स्पीड को लेकर है, जो हम सभी को जर्नी को काफी आसान बना रहा है। बिल्कुल फ्लाइट वाला फील है, साथ में आपका व्यू भी बहुत बढ़िया है, आप आराम से देख पा रहे हैं, आपको कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और कंफर्ट सीट भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। नए फीचर्स के साथ, नए क्लेवर, नए फ्लेवर के साथ वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिल्कुल मुसाफिरों को गंतव्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। और जो मुसाफिर हैं वो गदगद हैं, रोमांचित हैं। और जो भारतीय रेल का जो फिल्मों में जो क्रेज है, उसकी सीटी और छुक छुक की आवाज, अब ये साउंडलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन मुसाफिरों को आकर्षित कर रहा है, खूब लुभा रहा है। वसी मुल्क की रंगारंग सकाफत को जोड़ने वाली भारतीय रेल ने गुज़िश्ता बरसों में तारीखी तरक्की की है। वंदे भारत एक्सप्रेस इसकी एक पहचान है। वंदे भारत एक्सप्रेस मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में बनी है और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इस एक्सप्रेस में मकामी तौर पर बनाई गई कवच की सहूलत भी है जो ट्रेनों को टकराने से बचाती है। सिकंदराबाद में राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबर। और बहादुरी, बेमिसाल हिम्मत और शुजात की अलामत, भारतीय फौज आज अपना 75वां यौम फौज मना रही है। बेंगलुरु में आर्मी डे के मौके पर परेड का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने फौज के 8 मार्चिंग दस्तों का मुआयना किया।
घुड़सवारों का एक दस्ता भी इन फौजियों में शामिल हुआ। इस मौके पर ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट किया। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों को उनकी बहादुरी और कुर्बानियों पर बहादुरी के एतजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मगरबी सरहदी इलाकों में एलओसी के साथ जंग बंदी बरकरार है और जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में कमी आई है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्यधारा में हम ले आ सके। आर्मी चीफ ने शुमाली सरहदी इलाकों की सूरत हाल को मामूल के मुताबिक करार देते हुए कहा कि हम एलएसी पर मजबूत दिफा को बरकरार रखते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कंटिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने यौमे फौज के मौके पर फौजियों को मुबारकबाद दी। सदर ने ट्वीट किया कि यौमे फौज पर आइए हम भारतीय फौज के जवानों की कुर्बानियों की अनगिनत कहानियों को याद करें। फौजियों ने सरहदों पर अपनी बहादुरी और ताकत का मुजाहिरा किया है। फौजियों ने आफात के वक्त भी मुहाफिज के तौर पर काम किया है। इस मौके पर मैं भारतीय फौज के तमाम बहादुर जवानों और उनके अहले खाना को सलाम पेश करती हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्मी डे के मौके पर तमाम फौजी अहलकारों, साबिक फौजियों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाने के वर्चुअल प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने मुल्क में फौज के तआवुन की तारीफ की। आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की दो रोजा मीटिंग कल से दिल्ली में शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत तमाम सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। ये मीटिंग इस साल 10 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात और अगले बरस होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी अहम है। बीजेपी रहनुमा विनोद ताड़वे ने आज बीजेपी सदर दफ्तर में मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत 35 मरकजी वुजरा शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक महत्वपूर्ण समय में होने जा रही है। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इनकी बैठक होगी। वो यहीं पर भाजपा मुख्यालय में होगी और शाम को 4 बजे से कल 16 जनवरी 2023 एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में बैठक शुरू होगी और 17 जनवरी शाम को 4 बजे तक संपन्न होगी।
पंचजन्य मैगजीन की 75वीं सालगिरह के मौके पर डायमंड जुबली तकरीबात का अहतमाम किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तकरीब में शिरकत की। वजीर दिफा ने सबके राम नामी किताब का इजरा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि अटल जी की हुकूमत हो या मोदी जी की हुकूमत, हमने कभी भी सहाफत के किसी इदारे पर पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि एक जमहूरी मुल्क में ख्यालात का इजहार सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर ना तो कोई रोक लगाई और ना ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस जो दूसरों पर जमहूरियत और मीडिया पर मुबैना पाबंदी का इल्जाम लगा रही है, पहले वो अपनी तारीख देखे। कांग्रेस पहले एहतजाज तक सुनना पसंद नहीं करती थी। उन लोगों ने कदार की खातिर आईन में तब्दीली भी की थी। ऐसे लोगों को गलत बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर व्यक्ति को है और कांग्रेस किसी भी किस्म की आलोचना को दबाने के लिए इतनी उतावली थी उसने संविधान को ही बदल डाला। मैं दो पत्रिकाओं का यहां नाम लेना चाहूंगा। एक थी क्रॉस रोड्स जो वामपंथी विचार से प्रेरित थी और मद्रास से निकलती थी, और दूसरी थी इसी विचार परिवार की एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर। ये दोनों ही पत्रिकाएं कांग्रेस को इतनी खटकती थी, इतनी नागवार ये गुजरती थी कि इन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। अगर जब कोर्ट ने फैसले उलट दिए तो उसके बाद संविधान में संशोधन करने का मन बना लिया और संविधान में संशोधन कर डाला। इत्तला और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पंचजन्य मैगजीन की 75वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत की। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना के दौरान मोदी हुकूमत ने लोगों को मुफ्त अनाज फराहम किया। कोविड के टाइम तो मैं तो वित्त राज्य मंत्री था। मोदी जी ने अनाज के भंडार खोले और 4,00,000 करोड़ का अनाज 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। किसी को भूखमरी से नहीं मरने दिया और महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाई और बूस्टर डोज भी लगवाया। मोदी सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लेकर आए और 5,00,000 करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी और कोलेटरल के देश के व्यापारियों और उद्यमियों को दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। बनारस से डिब्रूगढ़ का सफर तय करने वाला गंगा विलास क्रूज बिहार के बक्सर पहुंच गया है। गंगा विलास पर सफर करने वाले सैयाह बक्सर के घाटों की सैर कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बक्सर के राम रेखा घाट का दौरा किया और उसके बाद मुसाफिरों ने सीताराम उपाध्याय म्यूजियम का भी दौरा किया। एमवी गंगा विलास को जुम्मे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। Much more people. It was quite crowded because of the festivities, and I found it amazing to see so many people taking the bath in, like for us, a cold river, because of their religious beliefs, and that's very respectful, honorable, and that's a sight I'm definitely never going to forget. Oh, it's a great experience because I'm surprised that you have such a big collection. From this age, I took a lot of photos, pictures for myself. I bring it home at Switzerland, and it's such a nice museum. It's so clean and very good presented.
मुल्क भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार जोशो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार सूरज देवता को वफ है। आज ही के दिन सूरज धनु राशि से मकर राशि में दाखिल होता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है सूरज की रफ्तार शुमाल की जानिब होना है। इस त्यौहार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल जबकि दीगर हिस्सों में खिचड़ी या माघी के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में अकीदत मन जो है वो मंदिरों में मुकद्दस गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर में अकीदत मंदों ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को मकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि मकर संक्रांति की नेक ख्वाहिशात। वहीं आसाम में आज माघ बिहू मनाया जा रहा है। धान की कटाई और मौसम खत्म होने के बाद बिहू मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता की पूजा करते हैं। ये उत्तरायण शुरू होने के साथ साथ सर्दी में जाने की अलामत भी है। इसे भोग यानी के खुराक की कसरत की अलामत समझते हुए भोगाली बिहू भी कहा जाता है। ये तरह तरह के पकवानों का फेस्टिवल है। बिहू से एक दिन पहले शाम को जगह जगह इज्तिमाई दावतों का एहतमाम किया जाता है। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आसाम में भोगाली बिहू का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सर्बानंद सोनोवाल ने असमी मेजी का दहन किया। ये त्यौहार फसलों की कटाई और इसके पैदा अनाज के तई खुशी की अलामत है। मकर संक्रांति के मौके पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में मंदिर में दर्शन किए। आगे बढ़ते हैं और मजीद खबरों की जानिब भी रुख करते हैं और बात करते हैं जोशीमठ की, जहां जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को मुनहदिम करने का काम जारी है। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ गई हैं। मौके पर इंतजामी अफसरान भी मौजूद हैं। वहीं NGRI ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू कर दिया है। हुकूमती सतह पर CBRI की जानिब से बेघर अफराद को उन्हीं की महफूज अराजी पर प्री फैब हट में मदद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बैनुल अक्वामी खबरों की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, जहां रूस ने हफ्ते को दोबारा यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए हैं। मशरिकी यूक्रेन के शहर दनेपिरो में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हमले में 14 अफराद हलाक हो गए हैं। कीव, खारकीव और ओडेसा समेत कई दूसरे शहरों पर भी रूसी मिसाइल हमले हुए हैं। मुतादित शहरों में बिजली के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन का बेशतर हिस्सा अब इमरजेंसी ब्लैकआउट का शिकार है। इससे कबल ब्रिटानिया ने यूक्रेन की मदद के लिए चैलेंजर 2 टैंक भेजने का ऐलान किया था। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने कहा कि बरतानवी फौज के अहम जंगी टैंक चैलेंजर रूसी फौजियों को पिस्पा करने में मददगार होंगे। रूस ने इसके जवाब में कहा है कि यूक्रेन को मजीद हथियार देने से वो अपने हमले में तेजी लाएगा, जिससे ज्यादा शहरी हलाकतें हो सकती हैं। जापान के वजीर आजम किशिदा फोमियो ने G7 ग्रुप के दीगर ममालिक के साथ तयशुदा मुहाइदे का हवाला देते हुए कहा कि वो कवानीन पर मबनी बैनुल अक्वामी निजाम के लिए भरपूर तावन करेंगे। किशिदा ने यह बात वाशिंगटन में अपने 5G7 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में कही। फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका के रहनुमाओं के साथ बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रुप के रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और बाहमी ताबुन के साथ साथ दुनिया भर में गैर यकीनी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने कहा है कि G7 रहनुमाओं ने जवाबित पर मबनी बैनुल अक्वामी निजाम को बरकरार रखने की कोशिशों में ग्रुप के इत्तेहाद के अजाइम का इयादा किया। अमेरिकी सदर के साथ बातचीत के हवाले से फोमियो किशिदा ने कहा कि सदर जो बाइडेन ने दिफाई अखराजात बढ़ाने और जवाबी हमले की सलाहियत हासिल करने समेत जापान के जरिए कौमी दिफा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करने के फैसले की पूरी तायद की है।
और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका के सामने 391 रनों का हदफ रखा है और इससे कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 95 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 42 रन की इनिंग्स खेली और इसके बाद शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ मिलकर रनों का सिलसिला जारी रखा। शुभमन गिल ने 116 रन बनाकर आउट हुए, वहीं विराट कोहली 166 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना अपने दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया का अज़्म अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए मुसलसल दूसरी जीत हासिल करने का होगा। ये मुकाबला रावरकेला में खेला जाएगा। तो उसका इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत, आदाब।